पता नहीं क्या क्या पहनना पड़ता है। ऊपर तो बहुत कुछ पहनते हैं और जो नीचे पहनते हैं ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में चड्डी, अंडरवेयर, बॉक्सर या पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इसके तो गाना ही बन चुका है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। पर आपने कभी ये सोचा है कि ये अंडरवेयर बने कैसे, क्या आया दिमाग में कि लोगों ने अंडरवेयर बनाया? आज इस वीडियो में हम वही बात करते हैं कि अंडरवेयर का इन्वेंशन हुआ कैसे और किसने किया, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अंडरवेयर क्या ही है, घर में दादी दानी ने लंगोट बना दिए और उसी को देखते देखते अंडरवेयर बन गए। पर ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इसमें एक फैक्ट बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में अंडरवेयर कैसे इन्वेंट हुए। बिल्कुल स्टार्टिंग में ना ये लेदर के बनने शुरू हुए, बस ऊपर एक लेदर की बेल्ट होती थी और उसी को दोनों टांगों के बीच में से डाल के पहन लेते थे, ये कुछ ऐसे दिखते थे। पर ये एक्चुअल में इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जब जंगल में जाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब आप सोच ही सकते हो कैसे कैसे प्रॉब्लम आती होंगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो भाग रहे हैं और चीज़ें, तो तो उन्होंने एक लेदर का एक स्ट्रैप बनाया जो कि उनकी वेस्ट पर आ जाता था, एक लेदर का छोटा सा पार्ट उनके प्यूबिक एरिया को कवर कर देता था। ये अंडरवेयर थोड़े अनकंफर्टेबल थे बट लोगों ने यही पहने। फिर उसके बाद रोम के अंदर इनको लड़का और लड़की दोनों ने पहनना शुरू किया और इनको हम सेब्लिकोलम बोलते थे। इनकी खासियत ये हो गई थी कि ये थोड़े अट्रैक्टिव दिखते थे, इनमें थोड़ा सा डिजाइन ऐड कर दिया ताकि हर कोई ये पहन सके और देखने वाले को लगता था कि भाई साहब क्या चीज पहनी है बंदे ने। और इसको लोगों ने फिर कुर्ते के नीचे पहनना भी शुरू किया। वैसे यूजुअली तो लोग लड़ाई करते हुए पहनते थे पर धीरे धीरे औरतों ने भी पहनना शुरू किया और इनको ड्रेसेस के नीचे या कुर्ते के नीचे पहनने का ट्रेंड आ गया। फिर टाइम थोड़ा बदला, 17th सेंचुरी के बाद लोगों ने टाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिसके अंदर उनका फिगर हाईलाइट होता था। तो अब वो लेदर के अंडरवेयर कहाँ चलने थे, तो लोगों ने इन अंडरवेयर को थोड़ा छोटा बनाना शुरू किया जिसमें इनकी बॉडी और भी अच्छी दिखती थी। थोड़े टाइट फिटेड और छोटे होते थे बट पहनने में बहुत रिलैक्सिंग थे। उसके बाद इन अंडरवेयर के अंदर एक फ्लैप भी बनाया गया जो यूरिन पास करने में हेल्प करता था, पर ये फ्लैप सिर्फ लड़कों के अंडरवेयर में था और इसी के चलते मार्केट के अंदर नए अंदाज के अंडरवेयर आ गए। टाइम के साथ साथ लोगों के बहुत ज्यादा फेवरेट हो गए और इसके अंदर एक लंबे साइज के भी अंडरवेयर आने लग गए और लोग इनको बहुत ही शौक से पहनने लगे। लड़के लड़कियां सबके अंदर ये अंडरवेयर काफी फेमस हो गए। फिर 19th सेंचुरी के अंदर जॉन एल सेविलियन ने ये अंडरवेयर बॉक्सिंग रिंग में पहना और तब से हम इन अंडरवेयर को बॉक्सर्स कहते हैं। और ये इतने ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स वाले हैं कि अब तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी इनको बेच रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अंडरवेयर की लाइन में एक नया अंडरवेयर आया जिसको हम बैक स्ट्रैप बोलते हैं। इस बैक स्ट्रैप की खासियत ये थी कि सारी कंट्रीज में शोर मच गया कि ये हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। पर एक्चुअल में ये किसने बनाया आप जानते हैं? 1847 में शिकागो की एक कंपनी ने जिसका नाम शार्प एंड स्मिथ था, उन्होंने इस अंडरवेयर को बनाया और ये अंडरवेयर स्पेशली बनाया गया एथलीट्स के लिए जो साइकिल चलाते थे। इस अंडरवेयर की खासियत ये थी कि इसके अंदर एक हार्ड पोर्ट लगाया गया ताकि जब भी कोई आदमी साइकिल चला रहा है तो उसके प्राइवेट पार्ट को दर्द ना हो। पर इस अंडरवेयर से ना लड़कों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इस अंडरवेयर को पहनने से लड़कों को काफी पेन भी होता था एंड कुछ लोग तो इम्पोर्टेंट भी हो गए और उनको ब्लैडर इश्यूज भी होते थे क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था और वो हार्ड कोट की वजह से उनको आलस आता था कि कौन उतारे, कौन पहने, कौन उतारे। तो इस वजह से इस स्टाइल को थोड़ा निगलेक्ट कर दिया गया। फिर 1935 में कुछ ऐसा टाइम बदला कि एक अंडरवेयर एक बंदे ने बनाया जिसका फ्रंट वाई था। फिर अपने फ्रेंड्स के कहने पर उस बंदे ने अंडरवेयर को शिकागो की कंपनी को बेचा जिसका नाम अपेरल इंजीनियर्स था। उस कंपनी की मेहनत से जॉकी हमारे पास आ। फिर क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंडरवेयर बनने लगे। कॉटन के अंडरवेयर आ गए, कॉटन के अंडरवेयर आ गए, सीमलेस अंडरवेयर आ गए, लड़कों के लिए एच शेप भी आ गया, वी शेप भी आ गया, बॉक्सर्स भी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। और लड़कियों के लिए भी बहुत ऑप्शंस आ गए जैसे लेस वाले अंडरगारमेंट्स आ गए, नॉर्मल अंडरगारमेंट्स आ गए और काफ़ी नॉटी नॉटी भी आ गए। पर सवाल ये आता है कि हम ऐसी चीज़ें रोज यूज़ करते हैं पर हम ये नहीं सोचते कि इनका इन्वेंशन आखिर हुआ कैसे था। सोचो अगर जो फर्स्ट अंडरवेयर बना था लेदर वाला वो वापस आ जाए तो क्या आप अंडरवेयर खरीदना चाहोगे?